हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण पहली बार ऐसा हुआ है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब बेरोजगार ने, किसी बेरोजगार ने मुख्यमंत्री को सीधे सवाल किए और सीधे मुख्यमंत्री से पूछा। जी हाँ, वाक्य है आज जो है मुख्यमंत्री जी भिलाई में भेंट मुलाकात करने आए हुए थे और वहीं पर एक बहुत ही जाबाज बोल सकते हैं और इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए रहता है वेल एजुकेटेड टॉप 10 रैंकर। जी हाँ, आईटीआई प्रिंसिपल में टॉप रैंकर थी और उन्होंने एक सवाल पूछा। उस छात्रा के सवाल इतने सटीक थे कि कहीं ना कहीं बहुत, अगर इस प्रकार का सवाल छत्तीसगढ़ का प्रत्येक बेरोजगार करने लगा तो हमारा दावा है कि छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू वैकेंसी आएंगी। पर है तो बस सभी बेरोजगारों को जागरूक होने की। अगर आप इस प्रकार से जागरूक है तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में वैकेंसियां, अगर आप सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल वैकेंसी आएंगी। आगे मैं आपको वाक्य का एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप बताइएगा कि आप जागरूक है कि नहीं, क्या आप सवाल ऐसा पूछ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इस प्रकार का सवाल भी आप सभी को पूछना चाहिए, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो या फेस टू फेस, जैसे जहां भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो वहां पूछा जाए कि वैकेंसियां क्यों नहीं आ रही है जबकि आरक्षण है अभी। तो फिलहाल आगे क्लिप देखिए, वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा होगा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें। सर, सीजीपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम में मेरा चयन सूची में, मैं बेरोजगार हूँ, ना मुझे रोजगार मिला तो मैं क्या करूँ। एक राजपत्र अधिकारी और इतनी भीड़ में खड़ी है आईटीआई प्रिंसिपल, एक साल से जॉइनिंग के लिए विभाग में घूम रही है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्री निवास, क्या बोलेंगे आप उसमें? क्या दे रहे जॉइनिंग, क्या अप्रैल में देंगे?